हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग कर रहे हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में ये है वीडियो लेक्चर नंबर 7। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्या कराऊंगा, मैं एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा गया है। अगर अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी ये वीडियोज़ देख रहे हैं तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि टेंशन की कोई बात नहीं है। आप ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ उन क्वेश्चंस को करते रहिए। लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम ही है, ठीक है। तो ये DU का क्वेश्चन है 2017 एग्ज़ाम का, ठीक है। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से हमें करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम साथ साथ इसकी समरी भी बनाते जाएंगे। तो एस लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर हैं ₹10 वाले, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है। साथ साथ समरी बनाओगे तो आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा फायदा इसका मिलेगा। इशूड को हमने क्या लिख दिया, आई, ठीक है। 1 लाख शेयर हैं और कितने का है, ₹10 का है, तो फेस वैल्यू क्या है, ₹10। आगे कहता है द शेयर्स वर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। ₹5 के प्रीमियम पर शेयर इशू करा गया है, इसका मतलब इशू प्राइस कितना हो गया, 15। आगे कहता है द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोस। अमाउंट किस तरह से पे करना है, एप्लीकेशन पर ₹3 कंपनी मंगा रही है, तो हमने यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन पर ₹3। उसके बाद ₹8 ऑन अलॉटमेंट, ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹5, ठीक है। ऑन फर्स्ट कॉल 2 एंड फाइनल कॉल 2, तो अलॉटमेंट पर कितना है, ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट हमने यहाँ पर लिख दिया 3 + 5, ₹3 फेस वैल्यू है और ₹5 का प्रीमियम है, राइट। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट कॉल ₹2 की है, फाइनल कॉल भी ₹2 की है, तो फर्स्ट ₹2 हमने लिख दिया है और फाइनल को भी लिख दिया, ठीक है। इशू प्राइस मैंने आपको बताया था कहाँ पर हम लिखते हैं, इशू प्राइस हमने यहाँ रख दिया। इसका टोटल करो, 8 + 3 11, 11 + 4 15, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा मैच हो गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर वर रिसीव्ड। 1,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन कंपनी के पास आई हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा इशू कितने करें कंपनी ने, 1 लाख। एप्लीकेशन कितने की आई है, 1,50,000, तो केस कौन सा हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, ठीक है। तो 1,50,000 की एप्लीकेशन में से 10,000 की जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी गई है, एंड दियर मनी वाज रिटर्न, ठीक है। प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट कितने हुए, 1,40,000 शेयर्स के जो एप्लीकेंट हैं उनको कितने शेयर मिलेंगे, मैक्सिमम कितने शेयर कंपनी दे सकती है, 1 लाख। तो 1,40,000 लोगों ने जो मांगे थे, मतलब 1,40,000 जो शेयर मांगे थे उस पर कितने मिल पाएंगे, 1 लाख, ठीक है। प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट की जाएगी। तो यहाँ पर उसके दो उन्होंने कैटेगरी बना दिए। फर्स्ट कैटेगरी में 80,000 शेयर को 60,000 शेयर अलॉट करेंगे और सेकंड में 60,000 शेयर्स को 40,000 शेयर हम यहाँ पे अलॉट करेंगे, राइट। चलिए उसके बाद क्या कहता है, तो ये चीज़ भी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने इसको भी लिख लिया है, अप्लाइड कितने हुए, ये टोटल यहाँ पर अप्लाइड कितने हैं, 150। अलॉटेड कंपनी कितने दे सकती है, मैक्सिमम 1 लाख, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में 80,000 को मिले 60, सेकेंड में 60 को मिले 40,000, और उसके बाद रिजेक्ट 10,000 शेयर्स क्या हो गए, रिजेक्ट, और इनका पैसा वापस कर दिया गया। प्रोराटा, कई स्टूडेंट को प्रोराटा मुश्किल लगता है, प्रोराटा का मतलब कुछ भी नहीं है, प्रोपोर्शनेट है, मतलब एक रेशियो है कि आपने अगर 10 मांगे तो आपको 8 दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने जो 2 शेयर पर एक्स्ट्रा पैसे दिए वो जो पैसे हैं या तो कंपनी उसको रिफंड कर देगी एप्लीकेशन, क्योंकि आपको उसने शेयर नहीं दिए, या फिर कंपनी आगे जो कॉल मंगाएगी वो अलॉटमेंट के लिए उसको एडजस्ट कर लेगी, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, एडजस्ट कर लिए जाते हैं। तो प्रोराटा कुछ नहीं है, आप ज़्यादा मांग रहे हो आपको कम मिल रहे हैं, तो वही प्रोराटा होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्स हु बिलोंग टू फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। अब देखो डिफॉल्टर की बात यहाँ पे शुरू कर दी है क्वेश्चन में, तो एक्स फर्स्ट कैटेगरी का बंदा है, ठीक है। एक्स हु बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी,
एंड वॉज अलॉटेड 300 शेयर्स। ठीक है, तो एक्स को कितने शेयर अलॉट हुए हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जो डिफॉल्टर है उसके आपको देखने हैं अप्लाइड कितने, अलॉटेड कितने हैं। क्वेश्चन ने हमें क्या दे दिया, अलॉटेड दे दिया है। अलॉटेड कितने हैं उसके, 300, यानी 300 शेयर का एक्स मालिक है। अब यहाँ पर ये जो कैटेगरी है, जो फर्स्ट कैटेगरी का है, वो 80 और 60 की रेशो है यहाँ पर। और आप जी ये चार जीरो यहाँ से हटा दो, चार जीरो यहाँ से हटा दो, तो रेशो क्या बन जाएगी, 8:6। इसको ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं, इससे भी छोटा कर सकते हैं 2 से डिवाइड करके, लेकिन इससे ज़्यादा आप छोटा मत करो, टाइम पास होने वाली बात होती है। ठीक है, तो आप क्या करो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, यहाँ पे अलॉटेड लिखो, अप्लाइड आपको कंप्यूट करने हैं। अप्लाइड कैसे करते हैं, देखो कैसे यहाँ पे कंप्यूट करते हैं, जो भी आपको दे रखा है, जैसे 300 दे रखा हो यहाँ पे रखो, अप्लाइड मुझे बताओ ज़्यादा होंगे या कम होंगे। अलॉटेड से हमेशा अप्लाइड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 80,000, तो 80 को आप ऊपर रखोगे और 60 को नीचे रखोगे। तो मैंने क्या कर लिया, 8:6 ले लिया, चार जीरो आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये कितना बन जाएगा एक बार इसको चेक करो, 400। ठीक है, तो x ने अप्लाई कितने करे थे, 400। अगर क्वेश्चन में आपको 400 दिया रहता, अप्लाइड दिया रहता, तो इसी बेस पर आप क्या करते, अलॉटेड निकाल लेते। कैसे निकाल लेते, 400 को रखते और मल्टीप्लाई किससे करते, क्योंकि यहाँ पर आपको छोटी फिगर चाहिए, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू को ऊपर रख लेते, तो यहाँ पर 300 शेयर्स यहाँ पे आ जाते। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपको अप्लाइड और अलॉटेड कंप्यूट कर लेने। तो यहाँ पर देखो, मिस्टर एक्स ने फर्स्ट कैटेगरी का है वो 300 शेयर का वो मालिक है, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, एंड ऑन हिज फर्दर फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं दी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, और कंपनी को गुस्सा आया, कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे, हमने पहले ही यहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मेरे पास एक यही तरीका है कि थोड़ा सा काम मैं पहले करके रखूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए पहले करा हुआ है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मंगाएगी, एप्लीकेशन पैसे पहले ही आ जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं डिफ़ॉल्ट की। अलॉटमेंट मंगाई गई, अलॉटमेंट पे डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट किसका है, मिस्टर एक्स का डिफ़ॉल्ट है, 300 शेयर का वो मालिक है, उसके अच्छा फिर फर्स्ट कॉल भी मंगाई गई, फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं दी, उसके शेयर फॉरफिट हो गए आफ्टर फर्स्ट कॉल। ठीक है, आगे फिर कहता है, वाई हु बिलोंग टू सेकेंड कैटेगरी, एक बंदा यहाँ पर वाई है जो कि सेकेंड कैटेगरी का है, एंड वाज अलॉटेड 200 शेयर, उसके भी कौन से दे रखे हैं, अलॉटेड दे रखे हैं। अप्लाइड अगर उसके निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे, अगर मैं यहाँ पे वाई के अप्लाई निकालना चाहूँ तो अलॉटेड कितने दे रखे हैं, 200, अप्लाइड मुझे चाहिए, तो अप्लाइड हमेशा ज़्यादा होते हैं, तो 200 का ऐसे रखो, आपको बड़ी फिगर चाहिए तो इन दोनों में से 60 और 40 में से बड़ा कौन सा है, 60,000, तो 60,000 को ऊपर लिखो, 60/40, तो 6/4, तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली आप ये कंप्यूट कर लो, 200/4 × 6, 300 आ जाएगा। अगर हमें वाई के अप्लाइड अगर ज़रूरत पड़ जाए तो 300 है और अलॉटेड इसमें दे रखे हैं। ठीक है, चलिए, तो वाई हु बिलोंग टू सेकंड कैटेगरी वाज अलॉटेड 200 शेयर आल्सो फेल टू पे टू कॉल्स, उसने दो कॉल नहीं दिए, यानी फर्स्ट पर उसका डिफॉल्ट है और फाइनल पर उसका डिफॉल्ट है। तो यहाँ पर वाई के पास है 200 शेयर का वो मालिक है, फॉरफिट उसके कर दिए हैं फाइनल कॉल के बाद। ठीक है, आगे कहता है, ही शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। ठीक है, द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट द रेट 12 per share फुली पेड अप, तो जो सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर थे, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि इसमें से 500 शेयर में से कितने शेयर रीइशू करे गए हैं, यहाँ पे लिखा है द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड एट द रेट 12 per share फुली पेड अप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 300x के 200y के दोनों मिला के 500 शेयर रीइशू कर दिए गए 12 rupees per share के हिसाब से और फुल्ली पेड अप है। ठीक है, चलिए आगे कहता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, और इसमें एंट्रीज आपको पास करनी है, और इसकी वेटेज कितनी है, 11 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है, अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट भी पूछेगा तो उस केस में कितने का आ जाएगा, उस केस में रहेगा इसकी वेटेज 15 नंबर। ठीक है जी, चलिए तो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले जहाँ पर इस तरीके से आपको कैटेगरी नज़र आ जाए,
तो वहां पर आपको एक टेबल बनानी है और टेबल बना के आपको काम करना है। मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ, मैंने एंट्रीज यहाँ पर पहले ही फॉर्मेट बना लिया है ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, लिखने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, चलिए तो ये टेबल में थोड़ा सा मैं टाइम लगाना चाहता हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट ये टेबल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, अप्लाइड, फिर होता है यहाँ पर अलोटेड। बिल्कुल याद है, याद रखना भी इजी है। सबसे पहले पब्लिक अप्लाई करेगी, फिर कंपनी उनको अलोट करेगी। ठीक है, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ज़रा। यहाँ पे आपको लिखना है अप्लाइड और अलोटेड। ठीक है, यहां पर लिखना है फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, और यहां पे है रिजेक्ट। ये टोटल का कॉलम बनेगा यहां पर, और यहां पर कोई डिफॉल्टर होगा जिसने अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दिए होंगे, उसका नाम लिखेंगे। यहां पर मिस्टर एक्स है। ठीक है, चलो अब इसको 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ, ये कॉलम जो मिस्टर एक्स वाला है, मैं इसको बाद में कंप्लीट करूंगा। अभी नॉर्मल छोटी सी बात बताओ, फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, फर्स्ट कैटेगरी में कितने शेयर्स है? 80,000 शेयर पब्लिक ने अप्लाई करे, उनको मिले कितने, कंपनी ने लोड कितने करे, 60,000। दूसरी कैटेगरी में 60,000 अप्लाई करे हैं और मिले कितने हैं, 40,000। और थर्ड कैटेगरी में 10,000 अप्लाई करे हैं लेकिन मिला कुछ भी नहीं है, इसका टोटल कितना आ जाएगा, 1,50,000 शेयर्स, और इसका 1 लाख, राइट। सबसे पहले यहां पे हम लिखते हैं शेयर, शेयर छोड़ो, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब यहां पे देखो जरा एप्लीकेशन कितने की, एप्लीकेशन है 3 रुपये की। अब आप फर्स्ट कैटेगरी की, सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी को ध्यान से देखो, फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा, सॉरी, हाँ जी, फर्स्ट कैटेगरी में देखो ध्यान से, 80,000 शेयर्स अप्लाई करे पब्लिक ने तो साथ में कितने रुपए लगाएंगे पर शेयर, 3 रुपीज, तो यहाँ पे कितना टोटल अमाउंट आएगा, 2,40,000। इस कैटेगरी में 60,000 शेयर अप्लाई करे और 3 के हिसाब से कितना आएगा, 1,80,000, और यहां पर कितना आया होगा, 30,000, 10,000 × 3, ये टोटल कितना आया होगा, एप्लीकेशन मनी टोटल कंपनी को कितनी मिली होगी, 2,40,000, 1,80,000 और 30,000, 4,50,000 की टोटल एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास आई है। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, यहां पे लोगों को शेयर अलॉट करेगी, राइट, यानी कंपनी यहां पर मालिक बनाएगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगी। ट्रांसफ़र किसका अमाउंट कर सकती है, सिर्फ उनका जिनको शेयर अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, आपने जो यहाँ पर एप्लीकेशन में है अमाउंट वही यहाँ पर रखना है। ठीक है, जब तक एप्लीकेशन पर प्रीमियम ना हो, अगर प्रीमियम है तो केस हम आगे डिस्कस करूँगा, वो भी केस मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन जब तक प्रीमियम ना हो तो आपको यहाँ पर उतना ही रखना है जितना एप्लीकेशन में है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंपनी ने यहाँ पर 60,000 शेयर दिए, 3 रुपये के हिसाब से कंपनी को कितना लेना चाहिए था, 1,80,000 रुपये। कंपनी के पास कितने आ गए, 2,40,000, क्योंकि लोगों ने 80,000 शेयर मांगे थे, 3 रुपये के हिसाब से उन्होंने 2,40,000 भेजा हुआ है, लेकिन कंपनी दे रही है 60,000 शेयर, तो 60,000 के हिसाब से कंपनी को कितने लेने चाहिए थे, 1,80,000। तो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट कंपनी के पास आ गया, 2,40,000 माइनस 1,80,000, 60,000 यहाँ पर कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ गया है, इसको हम बोलेंगे एक्सेस। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊँ, 20,000 शेयर्स कंपनी ने यहाँ पर नहीं दिए, तो 20,000 शेयर पर लोगों ने कितना पैसा दिया हुआ था, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी 60,000 रुपये उन्होंने दिया हुआ था, वो शेयर कंपनी ने उनको नहीं दिए, तो कंपनी ने क्या करा, यहाँ पर कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, 60,000 रुपये ज़्यादा आ गए। तो कंपनी देखो अब क्या करेगी, कंपनी कंपनी ये बोलेगी कि भाई हमने आपको कुछ शेयर तो दे ही दिए हैं, तो उन शेयर का अभी पूरा पैसा नहीं आया है, तो आप एक काम करो, जब अलॉटमेंट ड्यू होगी तो वहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, ये आपको वापस करने की बजाय हम इसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट के अगेंस्ट क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है,
तो लोगों ने कहा ठीक बात भी है, क्योंकि जैसे ही हमें अलॉटमेंट का जो लेटर आता है उसके बाद ही अलॉटमेंट ड्यू होगी, फिर कंपनी हमसे पैसे मांगेगी, तो बेटर ये है कंपनी के पास ही छोड़ दो। तो कंपनी क्या करती है, इस पैसे को कहाँ यूज़ कर लेती है, अलॉटमेंट के लिए, शेयर अलॉटमेंट। 60,000 कंपनी अलॉटमेंट के लिए रख लेगी। पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि अलॉटमेंट पे मंगाएगी कंपनी कितना। अलॉटमेंट पर इस कैटेगरी से कंपनी मंगाएगी 60,000 शेयर पर 8 रुपये। तो 60,000 शेयर पर 8 रुपये मतलब 4,80,000 मंगाएगी। तो ये सारा का सारा अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो जाएगा। मतलब ये हम इसलिए चेक कर रहे हैं, क्या पता ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास एक्सेस अलॉटमेंट से ज़्यादा पैसा तो नहीं आ गया, ठीक है। तो ये अलॉटमेंट से कमी है तो सारा का सारा अलॉटमेंट के लिए रख लिया जाएगा, राइट। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी नंबर सेकंड, ये एक्सेस इसका ख़त्म हो गया है। दूसरी कैटेगरी की बात कर लो, यहाँ पर 40,000, 60,000 मांगे गए थे उसके हिसाब से पैसा आया, लेकिन कंपनी ने दे दिए 40,000। तो कंपनी को कितना रखना चाहिए था, 1,20,000, और कंपनी के पास कितना आ गया, 1,80,000। तो यहाँ पर भी एक्सेस कितना बचा कंपनी का, 60,000। या दूसरे तरीके से निकाल लो, 20,000 शेयर कंपनी ने नहीं दिए, तो 20,000 मल्टीप्लाई 3, 60,000 कंपनी के पास एडवांस आया पड़ा। तो यहाँ पर भी कंपनी ने क्या रखा, वो अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लिया। तो सर क्वेश्चन इसमें बताता है अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करना है या फिर हमें खुद ही कर लेना है, आपको बाय डिफॉल्ट यानी आपको हमेशा क्या करना है, अगर एक्सेस अमाउंट आ रहा है एप्लीकेशन से ज़्यादा आ रहा है तो आपको अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर लेना है। लेकिन अगर अलॉटमेंट से ज़्यादा आ रहा है तो आपको क्या करना है, जब तक क्वेश्चन ये ना बोले कॉल्स के लिए यूज़ करो, आपको उसको वापस करना होगा, ठीक है, अगर अलॉटमेंट का अमाउंट पूरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिजेक्शन वाले की। रिजेक्शन में इनको मालिक नहीं बनाया गया तो यहाँ पर इनका अमाउंट तो एक्सेस ही रहेगा, इनका अमाउंट क्या करना पड़ेगा, अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो ये एक्सेस ही रहेगा 30,000, और यहाँ पर हमें इनको वापस करना पड़ेगा 30,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये टेबल जब तक यहाँ कंप्लीट करनी है, जब तक लास्ट में ये सब चीज़ एक्सेस जीरो हो जाए, सभी का एक्सेस क्या बचना चाहिए, जीरो, तब तक आपको ये टेबल कंप्लीट करनी होती है। अब आप यहाँ पे काम करो, ये टोटल लगा लो, 1,80,000, 1,20,000, ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 3 लाख। एक्सेस का टोटल आपको नहीं लगाना है, अलॉटमेंट का कितना हो गया, 1,20,000, ये अलॉटमेंट के लिए एडवांस आया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आ गया एक्सेस का नहीं लगाना, यहाँ पे आ गया आपका 30,000। और आपको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना है, कैसे, 4.5 लाख कंपनी के पास आया था और 4.5 लाख को कंपनी ने इस तरीके से यूज करा है। मैं इसको रीड करके बता देता हूँ, 4.5 लाख में से कंपनी ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कितना कर दिया, 3 लाख। अलॉटमेंट के लिए कितना रख लिया, 1,20,000 रुपये, और बैंक यानी वापस कितना कर दिया, 30,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि 4.5 लाख ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर लेंगे, अगर ये टेबल आपकी बन जाती है तो आप फटाफट से पहली दो एंट्री बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने आ जाएंगी। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपकी टेबल में ऑलरेडी दे रखी है एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है, 4,50,000 रुपये, ठीक है। तो 4,50,000 टेबल से उठाओ, क्योंकि टेबल बनाने में आपने काफ़ी टाइम लगाया तो इसलिए अब इसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आपको कहाँ से फिगर उठानी है, टोटल का कॉलम इम्पोर्टेंट है, इस यहाँ से आपको फिगर उठानी है। अब सुनो, सेकंड एंट्री जिस जो कि एक इम्पोर्टेंट एंट्री है, कई सारे स्टूडेंट इसी एंट्री में गलती करते हैं, तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कर लेंगे। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ इसको करने का, बिल्कुल सिंपल तरीका। एप्लीकेशन यहाँ पे फर्स्ट को करो डेबिट, फिर सभी को क्रेडिट करना है। क्रेडिट एक्सेस कुछ नहीं होता, कोई अकाउंट नहीं होता एक्सेस नाम का, ये है और फिर ये क्रेडिट। तो यहाँ इस टेबल से ही एंट्री निकल आएगी, एप्लीकेशन को डेबिट करो और उसके बाद जो भी अकाउंट आ रहे हैं उनको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, तो आपको यहाँ से सेकेंड एंट्री, ये हमारी सेकेंड एंट्री है, टोटल का टोटल से अमाउंट उठा लो आप फटाफट से, ठीक है सर। तो ये गलती नहीं होगी, आपका वर्किंग नोट भी अच्छे से बन जाएगा और आपके लिए बिना
ज़्यादा दिमाग लगाए यहाँ पे आप काम कर सकते हो, मतलब आपने पहले माइंड यूज़ कर लिया है तो बार बार उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, ये एडवांस है, ठीक है, अलॉटमेंट के लिए एडवांस आया। और बैंक, बैंक में कितना है, 30,000। तो फर्स्ट टू एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री डालेंगे। अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री बिल्कुल सिंपल होती है, नंबर ऑफ शेयर्स मैक्सिमम कंपनी के कितने हैं, 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई अलॉटमेंट पर कितना है, 8 रुपये। सर एक बार दिखा दो जरा, चलो मैं ऊपर दिखा देता हूँ आपको। 8 रुपये यहाँ पर अलॉटमेंट पर मांगा गया है, 3 रुपये फेस वैल्यू है, 5 रुपये प्रीमियम है, ठीक है। बाकी जो दोनों कॉल हैं वो दो दो रुपए की, याद रखना, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 लाख। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई, ये 1 लाख हुए, 10,000, हाँ जी, 1 लाख मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ गया, 3 लाख। और 1 लाख मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ गया, 5 लाख, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी, प्रीमियम, रिजर्व। उसके बाद पैसा रिसीव कर लो। यहाँ पर पैसा रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, जितना मंगाया था। देखो ये एंट्री भी इम्पोर्टेंट रहती है, गलती में दूसरे नंबर पे रहती है, यानी ये भी ध्यान रखना है। इसको मैं बना दूँ, ये खतरे की एंट्री है, यहाँ पर गलती होने के पूरे पूरे चांस रहते हैं, तो ध्यान से करना इसको। इतना मंगाया था एडवांस, क्या एडवांस आया अलॉटमेंट के लिए, हाँ जी सर, ये हम कैसे बोल सकते हैं, 1,20,000 रुपये क्या आया हुआ है, एडवांस। आप टेबल से भी चेक कर सकते हो या आप एंट्री से चेक कर लो। और डिफ़ॉल्ट मुझे बताओ, यहाँ पर किसने डिफ़ॉल्ट करा है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करा है मिस्टर एक्स ने, क्या वाई ने भी करा है, नहीं, वाई ने डिफ़ॉल्ट करा है फर्स्ट और फाइनल पे, लेकिन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट करा है मिस्टर एक्स ने, ठीक है। 300 शेयर उसके पास हैं, तो मुझे बता सकते हो यहाँ पर कितना आएगा, सर इसमें क्या बड़ी बात है, 300 शेयर मल्टीप्लाई 8 रुपये की अलॉटमेंट है, तो 2,400 रुपये का डिफ़ॉल्ट है उसका। जितने स्टूडेंट भी ये कह रहे हैं 2,400 रुपये का डिफ़ॉल्ट है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है। सर कैसे गलत हो गया, देखिए ध्यान से, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, अब मैं समझा देता हूँ गलत कैसे हुआ है। मुझे ये बताओ मिस्टर एक्स किस कैटेगरी का था, मिस्टर एक्स था फर्स्ट कैटेगरी का, फर्स्ट कैटेगरी का था, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ मिस्टर एक्स था फर्स्ट कैटेगरी का, तो उसके अप्लाई नंबर ऑफ अप्लाइड अप्लाइड शेयर कितने थे, मैंने यहाँ पर कंप्यूट करे थे 400 शेयर उसने अप्लाई करे थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 फर्स्ट कैटेगरी में। हालांकि इस कैटेगरी में मिस्टर एक्स जुड़ा हुआ है, मिस्टर एक्स का भी यहाँ पर, यानी 80,000 में 400 शेयर मिस्टर एक्स के हैं, लेकिन वो अलग से हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, एक अलग से कॉलम बनाना है मिस्टर एक्स के लिए। सर क्यों बना रहे हो, अभी 2 मिनट बाद सारा गेम पता लग जाएगा क्यों बना रहे हो। 400 शेयर के हिसाब से उसने कितने रुपए दिए होंगे कंपनी को, 1,200 रुपये दिए होंगे सर। कंपनी ने उसको कितने दिए, 300 शेयर, तो कंपनी को कितना रखना चाहिए था, सिर्फ 900 रुपये, तो इसका मतलब उसके 300 रुपये एडवांस थे। ओहो, उसके एडवांस थे एप्लीकेशन पर, क्योंकि उसने 400 शेयर मांगे थे, 400 के हिसाब से कंपनी के पास पैसा भिजवाया था, लेकिन 100 शेयर तो कंपनी ने उसको दिए ही नहीं, तो 100 शेयर के जो पैसे हैं 300 रुपये उसके एडवांस हैं, और कंपनी ने जब सभी के एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट के लिए तो इसके भी करे होंगे, तो यहाँ पर कंपनी ने उनको किसके लिए रख लिया, अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मिस्टर एक्स, सुनिएगा ध्यान से, अब मिस्टर एक्स के लिए एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा, मिस्टर एक्स के लिए, ये अलॉटमेंट के लिए, अलॉटमेंट, हाँ जी, मिस्टर एक्स से कितना मंगाया होगा, अमाउंट ड्यू कितना उससे मंगाया होगा, मिस्टर एक्स से मंगाया होगा 300 शेयर का वो मालिक है, यहाँ से देख सकते हो आप, मल्टीप्लाई 8 रुपये अलॉटमेंट के मंगाए होंगे, कितना मंगाया होगा, 2,400 रुपये उससे मंगाया होगा, लेकिन उसका पहले ही 300 रुपये आ रखा है ना एप्लीकेशन के टाइम पर, क्योंकि 100 शेयर उसको दिए नहीं थे कंपनी ने, उस टाइम कह दिया था कि भाई आपके अलॉटमेंट के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर 300 रुपये तो पहले ही आए हुए उसके, तो उसका डिफ़ॉल्ट 2,100 रुपये का है, 2,400 रुपये का नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट कितने का है, 2,100 रुपये का, हाँ जी सर समझ में आ गया, ठीक है, तो 2,100 रुपये का यहाँ पर डिफ़ॉल्ट है। और देखो ये टेबल आपको एक जगह और काम आएगी, सर कहाँ काम आएगी मैं बता देता हूँ, जब आप इसके शेयर फोरफीट करोगे तो
तो 2100 रुपए से ही आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से खुला होगा, 2100 से। जितने से डिफॉल्ट होता है उतने से तो अकाउंट खुला रहता है, और हमने कॉन्सेप्ट क्या सीख रखा है फॉरफिट करते वक्त, जितने से अकाउंट खुला है उतने से उसको क्रेडिट करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, 2100 रुपये हमें आगे भी काम आएगा, तो अभी हम यहां पे रख लेते हैं। हाँ जी, ₹2100, तो 8 लाख माइनस 120 माइनस 2100, तो ये आ गया 677900, 677900, 677900। उसके बाद फर्स्ट कॉल यहाँ पर ड्यू करनी है, 1 लाख शेयर पर 2 रुपीज, फर्स्ट कॉल के कितने हैं 2 रुपये, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे ड्यू 2 लाख। और रिसीव करते टाइम ध्यान देना जरा, 2 लाख में एडवांस फर्स्ट तक तो पहुँचा ही नहीं, एडवांस तो यहाँ पर 0 है, लेकिन डिफ़ॉल्ट मुझे बताओ डिफ़ॉल्ट यहाँ पर किसने करा है। सर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दोनों ने करा है, मिस्टर एक्स ने भी करा है और मिस्टर वाई ने भी करा है। 300 शेयर पर एक्स ने करा है और 200 शेयर पर वाई ने करा है, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर 300 शेयर पर 2 रुपये किसने नहीं दिए, एक्स ने नहीं दिए, और 200 शेयर पर 2 रुपये किसने नहीं दिए, वाई ने नहीं दिए। तो कुल मिला के 1000 रुपये का यहाँ पर डिफॉल्ट है, 500 शेयर पर 2 रुपये, यानी 1000 रुपये का डिफॉल्ट है, तो 1,99,000, 1,99,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं शेयर अलॉटमेंट कितने से खुली हुई है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट खुला हुआ है 1000 से, मिस्टर एक्स के लिए 600 रुपये से शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट खुला हुआ है, और मिस्टर वाई के लिए 400 रुपये से फर्स्ट कॉल अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम वहाँ पे बंद करेंगे जब फॉरफिट करेंगे। अब क्या हो रहा है ध्यान से पढ़िएगा, फर्स्ट कॉल के बाद ही यहाँ पर हमने डबल लाइनें लगाई हुई, मतलब यहाँ पर शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही यहाँ पर क्या हो गए, फॉरफिट कर लिए कंपनी ने एक्स के शेयर, वाई के नहीं करे, एक्स के करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉरफिट की एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर इसको हम बताएंगे, इसमें हम चैंपियन हो चुके हैं। चलिए, तो 300 शेयर पर कितना अमाउंट मंगाया गया, 300 शेयर पर कितना मंगाया गया, ध्यान से देखो कितना मंगाया गया। सर फाइनल कॉल को छोड़कर बाकी सभी मंगाया गया, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट 8 रुपये मंगाए गए, या तो आप ऐसे चलो यानी यहाँ पर कितना 13 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 क्योंकि प्रीमियम है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, तो ये कितना हो गया 2400। और उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, ध्यान से बताना, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए पैसा आया है, चेक करो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए पैसा आया है। सर सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए तो पैसा आया नहीं, क्यों नहीं आया, सुनो कैसे नहीं आया, उसके 300 रुपये एडवांस आए हुए थे एप्लीकेशन के लिए। अब सवाल ही आता है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि जो 300 रुपये है वो किसके लिए यूज़ होगा, पहले प्रीमियम के लिए यूज़ होगा या फेस वैल्यू के लिए यूज़ होगा, पहले होगा फेस वैल्यू के लिए यूज़। मैंने जो आपको नोट्स बताए हुए हैं, नोट्स हमारी GSK क्लासेस एप्लीकेशन पे हैं शेयर कैपिटल के, वहाँ पे मैंने एक नोट भी दिया हुआ है, जो भी एडवांस आता है वो पहले होता है फेस वैल्यू के लिए यूज़। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, यहाँ पर एक्स के लिए फेस वैल्यू 300 शेयर पर 3 कितनी होती है 900, लेकिन जो एडवांस आया वो 300 ही है, तो यहाँ पर फेस वैल्यू की भी वो पूर्ति नहीं कर पाया, यानी फेस वैल्यू को कवर नहीं कर पाया। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो पैसा आया था एडवांस 300 रुपये, वो फेस वैल्यू को ही पूरा नहीं कर पाया, तो प्रीमियम के लिए कैसे यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीमियम के लिए कोई पैसा नहीं आया, और प्रीमियम है 5 रुपये पर शेयर, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यहाँ पर करेंगे डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पता है ना आपको, अगर मिल जाता सिक्योरिटी प्रीमियम का तो उतने अमाउंट से हम डेबिट नहीं कर सकते थे, कंपनी एक्ट मना करता है। 300 शेयर पर 5 रुपये में से 1 रुपया नहीं मिला, तो 5 रुपये से मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं मिला, तो 1500, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। कितने से खुला हुआ है सर, ऊपर टेबल बनाई थी 2100 रुपये से, फिर शेयर फर्स्ट कॉल कितने से खुला हुआ है, आप चेक कर सकते हो ये अमाउंट 600 रुपये, तो हम बंद कर देंगे उस अकाउंट को।
हाँ जी, और कोई फाइनल कॉल उसे मंगाई नहीं तो खुली नहीं रह सकती, तो यहाँ पे शेयर फॉरफिटेड में ट्रांसफर कर देंगे। तो चेक करो जरा कितना आता है, 2400 1500 माइनस 2100 माइनस 600, ये आ जाता है 1200 रुपये बैलेंस ही फिगर। ठीक है, अब फाइनल कॉल यहाँ पर ड्यू की जाएगी। हाँ जी, तो ड्यू करते हैं 1 लाख में से 300 शेयर हटा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 99,700। ठीक है, मिस्टर एक्स से नहीं मंगाई जाएगी, बाकी सभी से मंगाई जाएगी 2 रुपये। तो 99,700 मल्टीप्लाई 2, 1,99,400, 1,99,400 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 199,400, 199,400 माइनस एडवांस, तो यहाँ तक पहुँचा नहीं, 0 है। और डिफ़ॉल्ट चेक करो, डिफ़ॉल्ट हाँ मिस्टर वाई का डिफ़ॉल्ट है, मिस्टर वाई के पास कितने शेयर हैं, वाई के पास हैं 200 शेयर और 2 रुपये पर शेयर, यानी 400 रुपये का डिफ़ॉल्ट मिस्टर वाई ने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,99,000। ठीक है जी, चलिए अब क्या करेंगे, मिस्टर वाई के शेयर यहाँ पर हम फोरफिट करने वाले हैं। फाइनल कॉल के बाद मिस्टर वाई के शेयर फोरफिट करेंगे, तो यहाँ पर वाई के शेयर हैं 200 शेयर, और यहाँ पे मुझे आप बताओ वाई से फाइनल कॉल मंगाई है, इसका मतलब टोटल 10 रुपये, यानी फेस वैल्यू कितनी है, टोटल 10 रुपये, तो पूरा 10 रुपये के 10 रुपये यहाँ पे मंगा लिए गए हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो ज़रा 10,000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे मिल चुका है, अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट नहीं है, फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्ट है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल कितने से खुली रह गई, आप मुझे देख कर बताओगे, फर्स्ट कॉल पर अगर आप देखोगे यहाँ पर ये रही फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पर डिफॉल्ट कितने का था मिस्टर वाई का, 400 रुपये का। तो 400 रुपये ही यहाँ पे क्या करोगे, फोरफिट करते वक्त क्रेडिट, और फाइनल कॉल पर भी 400 रुपये का था, तो यहाँ पे फाइनल कॉल को भी 400 रुपये से क्रेडिट करोगे। ठीक है, 800 हो गया, तो बाकी बैलेंस ही भी कराएगा शेयर फोरफिटेड में 1200। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहाँ पर सारे शेयर कितने हो गए, 300 एक्स के और 200 वाई के, 500 शेयर, 500 शेयर को 12 रुपये पर शेयर के हिसाब से आगे रीइशू कर दिया गया। यहाँ पे मैंने लिखा है रीशूड 12 रुपये पर शेयर फुली पेड अप, ऐसा क्वेश्चन ने बताया। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6,000, और यहाँ पे कितना आएगा, 500 मल्टीप्लाई फुली पेड, मतलब 10 रुपये टोटल फेस वैल्यू आपको रखनी है। यहाँ पे आ गया 5,000 और यहाँ पे आ गया 1,000। और आप मुझे बताओ यहाँ पर शेयर फोरफिटेड में, क्योंकि सभी शेयर यहाँ पे रीशू कर दिए गए हैं, तो आप पहले देखो मिस्टर एक्स के फोरफिट करे थे तो कितना पड़ा था शेयर फोरफिटेड में, 1200 रुपये, और मिस्टर वाई के फोरफिट करे तो कितना पड़ा था, 1200 रुपये, यानी 1200 1200 कितने हो गए, 2400, 2400 टोटल फोरफिट होगा, एक्स का 1200 वाई का 1200 माइनस। क्या रीशू करते वक्त कोई डिस्काउंट दिया, नहीं कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो यहाँ पर 2400 रुपये कहाँ ट्रांसफर हो गया, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा ये टेबल हमने बनाई तो है, लेकिन हमने इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में बनाया था, यहाँ पर सर ने वर्टिकल फॉर्मेट में बनाया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वर्टिकल फॉर्मेट में ज़्यादा सिंपल रहती है, और यहाँ पे सेकंड एंट्री जो होती है ये कॉम्प्लिकेटेड एंट्री होती है, जो कि हमारी टेबल से ही यहाँ पर आ जाती है। तो इसलिए आप एक काम करा करो, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे सीख लो, तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो आगे हम क्या करेंगे, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ आगे की जो वीडियोस हैं वो आपको मैं एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वही डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो प्लीज़ आगे वीडियोस स्किप मत करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी को एंजॉय करते रहिए। ओके, बाय बाय।